हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल डीएक्सबी इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज इस वीडियो में आप लोग को बताना वाला हूँ सीरीज टेस्टिंग लैंप के बारे में, ठीक है ना। इसका कनेक्शन कैसे होता है आज पूरा फुल एक्सप्लेन इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम चलिए, सबसे पहले सीरीज कनेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर एक बल्ब का ज़रूरत पड़ेगा, अब बल्ब के अलावा यहाँ पे एक फ्यूज़ हमने लगा रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है। फ्यूज़ हम यहाँ पे इसलिए लगा रखा है अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है इस बोर्ड के अंदर तो यहाँ पे ये आसानी से पावर इसका कट हो जाए। और इंडिकेटर को हमने इसलिए लगा रखा है ताकि इस सॉकेट के अंदर जिस टाइम में पावर रहेगा उस टाइम में ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, यानी ऑन रहेगा, ठीक है ना। तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा सॉकेट के अंदर पावर सप्लाई है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक स्विच का यूज किया है और यहाँ पे एक थ्री पिन सॉकेट का यूज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक फेस वायर को लेंगे, फेस वायर लेने के बाद यहाँ पे जो फ्यूज का जो इनकमिंग जो टर्मिनल है उसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी फ्यूज से जो आउटगोइंग हम एक वायर निकालेंगे लाकर कनेक्ट करना है, ठीक है, साइड में कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर हमें स्विच में ले जाकर कनेक्ट करना है, ठीक है। जो स्विच का जो इनकमिंग टर्मिनल है उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी स्विच से जो इसका आउटपुट जो टर्मिनल है इससे एक वायर को निकालेंगे और निकालने के बाद हमें सॉकेट का जो राइट साइड वाला जो टर्मिनल है यानी सॉकेट के पीछे एल लिखा होगा उस टर्मिनल में हमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे एक दूसरा जो टर्मिनल है लेफ्ट साइड वाला जो टर्मिनल है ये अभी फ्री है, ठीक है। उसके बाद हमें यहीं से एक वायर को उठाना है और सीधा ले जाकर यहाँ पे बल्ब में सीधा ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, बल्ब के एक साइड टर्मिनल में, ठीक है ना। उसके बाद अब बारी आता है न्यूट्रल का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रल वायर को उठाएंगे, लेने के बाद हमें ले जाकर बल्ब का जो होल्डर होगा उसके एक साइड जो टर्मिनल होगा उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है। और उसके बाद हम एक न्यूट्रल सप्लाई ले लेते हैं यहाँ पे इस इंडिकेटर के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।